तमिलनाडु के निकाय चुनावों में मिली बढ़त के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। हालिया प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए तंज कसा है। दरअसल राहुल गांधी ने संसद में दिए गए अपने संबोधन में कहा था कि बीजेपी तमिलनाडु में कभी भी शासन नहीं कर सकती है। उनके इस बयान को याद दिलाते हुए बीजेपी ने कहा कि हाल में हुए चुनावों के परिणामों ने कांग्रेस की इस तरह की धारणा बदल कर रख दिया है। द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बाद बीजेपी अब कांग्रेस से आगे तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी उन क्षेत्रों में जीती जहां उसे पहले कभी जीत नहीं मिली थी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने संसद में भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी कभी तमिलनाडु पर शासन नहीं करेगी। मुझे उम्मीद है कि यूएलबी चुनावों ने उनकी इस तरह की धारणाओं को दूर कर दिया है।